नमस्ते, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और आज हम बात करेंगे एक और नए ग्रह के बारे में जो है चंद्रमा। हम ये जानेंगे कि चंद्रमा एक्चुअली होता क्या है, हमारे घर में हमारे आसपास चंद्रमा को हम किस फॉर्म में देख सकते हैं, क्या उसका स्वरूप होता है, कौन ऐसा ऐसा कौन सा रिलेशन है जो चंद्रमा के साथ हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं और उसके क्या उपाय होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि चंद्रमा आखिर होता क्या है। देखिए, चंद्रमा को हम जो है मन से रिलेट करते हैं, ठीक है, हमारे मन, हमारा इमोशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह इसको हम मानते हैं जब भी हम कुंडली देखते हैं। हमारा लग्न तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, पर चंद्र कुंडली या चंद्रमा को लग्न में बिठा के जब हम देखते हैं ना, तो हम मन की स्थिति जान सकते हैं। और मन से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि मन ही है जो आपको हर जगह घुमाता है। आज आप यहाँ हैं, 2 सेकंड बाद आप लंदन में होंगे, 3 सेकंड बाद आप कहीं और होंगे। तो चंद्रमा या मन इतनी तेज ट्रैवल करता है कि उसका मुकाबला कोई भी प्लैनेट नहीं कर सकता। इसीलिए हम चंद्रमा को बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन देते हैं, क्योंकि चंद्रमा को डिपार्टमेंट दिया गया है इमोशंस का। कि सारी बॉडी, जैसे मून है, मून में हम बोलते हैं 70% वाटर है, हमारी बॉडी में भी ऐसी 70% वाटर है। और वो वाटर किसके कंट्रोल में है? मून के कंट्रोल में है। जब भी हमारे आप देखेंगे फुल मून में हाई टाइड्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं बिकॉज फुल मून जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो वाटर, क्योंकि उसके अंडर है, तो उसमें एनर्जी देता है और हाई टाइड्स होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी वो फ्लक्चुएशंस, वो चेंजेस आपको महसूस होंगे जब भी मून जो है अपने फेजेस बदलेगा, यानी इमोशंस हमारे चेंज होंगे। अब बात करते हैं कि हमारे रिश्ते में हम मून किसको कहते हैं। अब हमने बात की थी सन, सूर्य जो होता है उसको हमने पिता से रिलेट किया था, हमारे फादर से रिलेट किया था। मून को हम अपनी माँ से रिलेट करते हैं। तो अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली में ना चंद्रमा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके कुछ साइंस होते हैं जो हम पहचान सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि चंद्रमा अच्छे भाव में है या नहीं है। पहली चीज़, हमें इमोशनली अगर हम बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, अगर हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें बहुत जल्दी नेगेटिविटी फील हो जाती है, तो चंद्रमा हमारा इम्पैक्टेड है। या चंद्रमा ऐसे ग्रह के प्रभाव में हो सकता है जो उसको कंट्रोल कर रहे हो या मैलिफिक इफेक्ट डाल रहे हो उसके ऊपर। दूसरी चीज़, अगर हमारी हमारी माँ के साथ नहीं बनती है, माँ के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, माँ का प्यार नहीं मिल रहा है या माँ नहीं है, तो भी हम ये पता कर सकते हैं या ये इंडिकेटिव होता है कि चंद्रमा हमारा जो है वो अच्छे प्रभाव या अच्छे इफेक्ट में नहीं है। चंद्रमा बेसिकली बहुत सारे अब इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इमोशन ही सब कुछ है ना। हम जैसे दूसरों से रिएक्ट करते हैं वो इमोशन से ही करते हैं। हम इतना लॉजिकल ब्रेन या माइंड को एक लेवल पे ही यूज़ करते हैं। घर में भी आप देखें, अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो पहले क्या होता है कि नहीं, फादर और मदर का रोल बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। इमोशनल डिसीजन, इमोशनल कनेक्ट हमेशा माँ बनाती है बच्चों के साथ। माँ का ही हमेशा ये बोला जाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए इमोशंस को हम माँ से और चंद्रमा को हम माँ और इमोशन से रिलेट करते हैं। बेसिकली ये तीनों जो हैं हमारे लिए एक बराबर, एक समान हो जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका चंद्रमा इम्पैक्टेड है, मेलिफिक भाव से अफ्लिक्टेड है, तो इसकी क्या रेमेडीज हैं, क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमारे इमोशंस अंडर कंट्रोल रहें, नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना करे और डिप्रेशन और एंजाइटी से हम बच सकते हैं।